कर मेरी फिक्र है कब। आज तेरी एंगेजमेंट है, बाहर सब तेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज चला जाए उसे। तो जाए यहां से। देखे कब, तुझे हर लीन के साथ होना चाहिए, आज तेरा स्पेशल डे है, प्लीज यहां से चला जा। तुझे क्या हो गया नेमत? मुझे कुछ नहीं हुआ है कब। देख, तूने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। पर आज तेरी एंगेजमेंट है, और तू जानता है लोग हमारे बारे में ऑलरेडी बहुत बातें बनाते हैं। तू? हमारे गुजरे हुए कल के बारे में यहाँ पे हर एक इंसान जानता है, और तेरे स्पेशल डे पे मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे बारे में बात करे, उनको कोई ऐसा मौका मिले। हरलीन को कितना बुरा लगेगा। और मुझे जो बुरा लग रहा है उसका क्या? मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी दर्द होता है। तो मुझे भी होता है कब। नहीं है कब, नहीं, मुझे तेरी इसमें कोई मदद नहीं चाहिए, मैं तुझे पहले भी बोल चुकी हूँ इस सबसे। शट अप, जस्ट शट अप। नहीं, मेरी बात सुन, मेरी मदद की जरूरत नहीं है, अपनी जान देने की जरूरत है। कोई आदमी तेरी जान के पीछे पड़ा हुआ, तू कह रही तेरी मदद की जरूरत नहीं है। मेरी मदद की जरूरत नहीं है ना, मत ले। लेकिन आज एकम नहीं, एएसपी एकम रंधावा बात कर रहा है, और आप नेमत विर्क संधु, आप बिना पुलिस की परमिशन के और बिना सिक्योरिटी के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, समझी आप? एकम बेग, तेरी एक नई लाइफ शुरू हो चुकी है, तू प्लीज इस सबसे दूर रह। तुझे मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, आज भी बोल रही हूँ, प्यार से बोल रही हूँ, तू इस सबसे दूर रह, प्लीज प्लीज। सॉरी, लेकिन इस वक्त मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, आप अपनी फैमिली को और मेरी फैमिली को बीच में मत लाइए। मेरा काम है पब्लिक को सिक्योरिटी देना, इस देश की सेवा करना, मुझे मेरा काम मत सिखाइए। एक मिनट, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, वो सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। रही बात उस अद्वैत कपूर की, उसको लगाने दो अपनी पावर, वो होगा एमएलए, खरीदे होंगे उसने पुलिस वाले, लेकिन हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं होता। एकम, ये तो सब क्या हुआ है तुझे, तेरी और तेरी ये यूनिफॉर्म? मुझे सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्यों? अद्वैत कपूर, मैं बताती हूँ मॉम क्यों। क्योंकि इसने अपनी जॉब, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया होगा। इसने उस धोखेबाज लड़की के लिए कपूर के साथ वो किया होगा जो इसे नहीं करना चाहिए था, जानते हुए भी, है ना? उस धोखेबाज लड़की का नाम नेमत है, वो कभी तेरी दोस्त हुआ करती थी, उसको उन कपूर से बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा, लेकिन किसी को इस हाल में देखना मेरे बस की बात नहीं है, और उसको तो बिल्कुल भी नहीं जो कभी मेरे साथ था। शमशेर जी, आप बताइए, क्या आपको इसके बारे में पहले से ही पता था? सर, आपकी रेपुटेशन के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सफाई में क्या कहना है? देखिए, इस वक्त मैं आपके कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है, एंड ट्रस्ट मी, मैंने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा, आप लोग प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दें? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, और तुम जैसे मर्दों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसे लोग ही नेमत जैसी भोली भाली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, और क्या पता उन्हें ये बात मालूम पड़ गई हो, और तभी उन्हें चुप कराने के लिए तुमने उन्हें पागल साबित कर दिया हो। Yes, it's quite possible. तो इसका मतलब है कि नेमत कपूर को पहले से सच पता लग गया था, और इसी वजह से उस बेचारी को इतने दुखों का सामना करना पड़ा। बताइए, जवाब दीजिए, क्या ये सच है? याद रखना, इस बार तो सिर्फ कीचड़ फेंका है, अगर तुम्हारी हरकतें नहीं बदली तो अगली बार तुम्हारे मुंह पर काले पोतेंगे। हाँ
बांध देश में नमायु डारी।